नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। पहले भारतीय ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत हुई। दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई और इसे आने वाले वक्त में और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। कोरोना के बाद जिस तरह से दुनिया का ध्रुव बदल रहा है, उसकी वजह से यह समिट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया पीएम स्कॉट मॉरिसन ने वर्चुअल समिट के दौरान कहा कि काश मैं वहां मौजूद होता, तो मोदी हग और समोसों को साझा कर रहा हूं, वही जो अब वहां काफी प्रसिद्ध है। मैं अगली बार गुजराती खिचड़ी जरूर खाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे अगली बार रसोई में पकाऊं जब भी हम दोनों की व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात हो। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि मैं WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का पदभार ग्रहण करने के लिए भारत के नेतृत्व में सराहना करता हूं। यह बोर्ड के अध्यक्ष करने का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय है और मुझे इसमें कोई दोराह नहीं कि भारत को नेतृत्व विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व स्तर पर कठिन समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण होगा। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि हम एक महासागर साझा करते हैं और हम उस महासागर के लिए उसके स्वास्थ्य कल्याण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी साझा करते हैं। हमारे समुद्री क्षेत्र में उन मुद्दों के बारे में जो संबंध हमने बना रखे हैं, मुझे लगता है कि हमारे देश के बीच कई अन्य चीजों के लिए मंच है। वर्चुअल समिट के दौरान पीएम मोदी उस वक्त हंसे जब ऑस्ट्रेलिया पीएम ने कहा कि यह मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता कि हम इन परिस्थितियों में मिलते रहेंगे। आप वही हैं जिन्होंने कई साल पहले अपने प्रचार में होलोग्राम शुरू किया था। शायद अगले समय तक यहां आपका एक होलोग्राम हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस दौरान कहा कि हम एक खुले समावेशी और इंडो पैसिफिक और उस क्षेत्र में भारत की भूमिका के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे क्षेत्र आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण होगा। पीएम मोदी ने वर्चुअल बैठक के दौरान कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और मजबूत करने का यही समय है। हमारी दोस्ती को मजबूत करने के लिए अनंत अवसर है। यह इस क्षमता को वास्तविकता में बदलने के लिए चुनौतियों के साथ लाता है। कैसे हमारे संबंध क्षेत्र के लिए स्थिरता का कारक बन जाते हैं, कैसे हमारे संबंध अपने क्षेत्र के लिए और